NTAUGCNET यानी निमेजिनेट डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजिनेट प्रो पे। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है और इस वीडियो में दोस्तों हम टीचिंग एप्टीट्यूड में 2012 से लेके 2023 तक 6 ऐसे टॉपिक देखने वाले हैं, लाइव प्रूफ आपको दिखाएंगे जो 21 बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। और इस वीडियो में दोस्तों हम 2012 से लेके इसमें 2020 के क्वेश्चन, 2021 के, 22 के क्वेश्चन भी इसमें हम दिखाएंगे कि किस तरह से एक ही टॉपिक बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको हम इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स भी बताएंगे जिनको देख के आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं जी। तो चलिए दोस्तों अब हम इससे रिलेटेड अपना क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है हमारा आज का जो टॉपिक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कॉन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ और उसके बाद में इनसे रिलेटेड जो कीवर्ड्स है वो हम देखेंगे। ये देखिए दोस्तों ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है और इसमें जैसे हम बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन की बात करते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन आया हमारा दिसंबर 2015 को आया है और उसके बाद में ये देखिए ये क्वेश्चन आया दिसंबर 2018 को आया है, इसमें से क्वेश्चन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से। ये देखिए कॉग्निटिव डोमेन हो गया इसमें। और उसके बाद में देखिए 5 नवंबर 2020 को एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें अफेक्टिव डोमेन पूछा हुआ है। और उसके बाद में दोस्तों 5 नवंबर 2020 को, हाँ ये वही क्वेश्चन है। और उसके बाद में देखिए अभी ये 2022 का लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है हमारा, 13 अक्टूबर 2022 को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों आप लाइव देख सकते हैं किस तरह से हमारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हम इनको बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों अभी मैं जल्दी से आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए आज हम क्या करने वाले हैं। और आगे देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा आगे है, इससे रिलेटेड शिक्षण के स्तर लेवल ऑफ टीचिंग से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये आया हमारा दिसंबर 2018 में। और उसके बाद में देखिए ये आया है हमारा अगला क्वेश्चन आया है जून 2019 के अंदर और फिर आया दिसंबर 2019 के अंदर। ये देखिए ये रहा हमारा मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और यही इसके अंदर है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और क्रिएटिव लेवल। और आगे देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ ये 2020 के क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये रहे हमारे 2020 के 17 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन है ये। और इसके अंदर देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी लेवल के बारे में पूछा हुआ है। और आगे मैं बात करूँ इसमें जैसे देख सकते हैं 2020 के बहुत क्वेश्चन हमने यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं। ये देखिए ये मेमोरी लेवल से रिलेटेड है, 12 नवंबर 2021 को एक क्वेश्चन आया हुआ है और आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से हमारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और ये देख सकते हैं 24 नवंबर 2021 को लेटेस्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर हमने इंक्लूड किए हैं जी। और ये काफ़ी क्वेश्चन हमने यहाँ पे दोस्तों डाले हुए हैं और अब हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, सबसे पहले इन क्वेश्चन की थ्योरी को हम समझेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको देखेंगे। उसके बाद में इन सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और मैं दावा करता हूं दोस्तों अगर आप ये क्लास पूरी देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं और आप कुछ ही सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं जी। तो ये क्लास आप पूरी देखना और ध्यान से देखना। लेकिन इससे पहले दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी दोस्तों हमारी एक 3 घंटे की लाइव क्लास होने वाली है, मैराथन क्लास होगी। और इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों 2012 से लेकर 2023 तक हर बार आने वाले 125 क्वेश्चन करेंगे ऑल 10 यूनिट में से। और ये इस क्लास में हम आपको दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स भी बताएंगे और इस क्लास में आपको दोस्तों 5 बोनस भी मिलने वाले हैं। ये 5 बोनस क्या क्या होंगे, नंबर 1 पे दोस्तों ऑल 10 यूनिट के रिपीटेड क्वेश्चन PDF आपको मिलेगी, नंबर 2 पे ऑल यूनिट के कीवर्ड्स वीडियोस मिलेंगी आपको, PDF भी आपको मिलेंगी, ऑल यूनिट्स के कीवर्ड्स की PDF मिलेगी आपको और स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा आपको, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर की PDF आपको दी जाएगी, प्लस में 10 लाइव मॉक टेस्ट ऐप में आपको मिलेंगे। तो ये सारे के सारे आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, केवल 99 रुपीज़ के अंदर आप इसे ले सकते हैं। और ये हमारी 3 घंटे की मैराथन क्लास लाइव होने वाली है,
27 फरवरी 3 PM पे होने वाली है, 3 घंटे की। इसे आप ज़रूर ज्वाइन करना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है। जो भी दोस्त अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में, हो सकता है उनका 1 मार्च को, 2 मार्च को कभी भी एग्ज़ाम हो, ये क्लास 3 घंटे की आप ज़रूर ज्वाइन करना दोस्तों, क्योंकि इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन आराम से राइट हो सकते हैं जी। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जी। इसको, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पहले देख लेते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं इनसे रिलेटेड हमारे क्या क्वेश्चंस आए हैं। देखिए, कॉर्न ऑफ एक्सपीरियंस, एडगर डेयर ने 1946 में इसके बारे में बताया था, द्वारा शिक्षण में दृश्य सर्वे विधियों पर अपनी पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत किया था। कॉर्न ऑफ एक्सपीरियंस एक दृश्य उपकरण है। देखिए, इसके अंदर क्या करते हैं कि उन्होंने बताया था कि बच्चा जो है, बच्चा किस तरीके से सीखता है, पढ़ के कितना सीखता है, देख के कितना सीखता है। तो ये चीज़ें आप देखना चाहे तो इसे देख लेना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैं आपको आगे बताने वाला हूँ जी। एडगर डेल ने इसको इसे दिया था, ये आप ध्यान रखना, कॉर्न ऑफ एक्सपीरियंस। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, BS ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब है वर्गीकरण करना, यानी कि हम सीखने के लिए किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से सीखते हैं, भावनात्मक रूप से सीखते हैं या फिर किस तरीके से सीखते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों इन्होंने 3 तरह के डोमेन के बारे में बात की थी, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर दोस्तों हम थिंकिंग की बात करते हैं, चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं और थॉट्स की बात करते हैं। अफेक्टिव डोमेन के अंदर दोस्तों इमोशंस की बात करते हैं, फीलिंग्स की बात करते हैं। और साइकोमोटर डोमेन के अंदर दोस्तों एक्शन लेते हैं, कोई चीज़ प्रैक्टिकली करके देखते हैं, टाइपिंग करते हैं, प्लेइंग करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और इनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें देखिए दोस्तों, जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है, इसके अंदर जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हम थिंकिंग की बात करते हैं, थॉट्स की बात करते हैं, और इसके अंदर इन ये कैटेगरी शामिल है, और इनको हम अच्छे से जानेंगे क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं यहाँ से, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ये। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एटीट्यूड की बात करते हैं, लर्नर्स एटीट्यूड एंड फीलिंग्स की बात करते हैं, वो किस तरीके से सीखता है, उसका एटीट्यूड क्या है सीखने के प्रति, किसी चीज़ के प्रति, इसके बारे में बात करते हैं। साइकोमोटर डोमेन के बारे में मैंने बताया था, इसके अंदर हम प्रैक्टिकली चीज़ें करके देखते हैं, स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है इसके अंदर जी। तो जो हमारी कॉग्निटिव डोमेन है दोस्तों, कॉग्निटिव डोमेन के क्या क्या लेवल है और इन लेवल से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आए हैं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा जी। इसमें से एक हमारा जो क्वेश्चन बनता है, ये कब आया था, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आया था 1956 को आया था, ये दोस्तों ओल्ड वर्जन है, और ये हमारा नया वर्जन है जो एडर्सन ने दिया था 2001 के अंदर। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है और क्या मतलब है, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं जी। नॉलेज क्या है, कोई भी चीज़ है, हमें नॉलेज होगी, कोई पढ़ा रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन आई है, कुछ भी है, तो सबसे पहले हमें नॉलेज होगी। उसके बाद में कम्प्रीहेंसिव, यानी उसको हम रिसीव करने की कोशिश करते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों चीज़ें ना दोस्तों, ये लगभग सेम है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, इनका जो नाम है, नाम चेंज कर दिया था, जो नया वर्जन इसमें आया था, कॉम्प्रीहेंसिव को इन्होंने अंडरस्टैंडिंग कर दिया था, अप्लीकेशन को इन्होंने अप्लाई कर दिया था यहाँ पे जी। अप्लीकेशन क्या है, कोई भी चीज़ हमने पहले उसकी नॉलेज हुई हमें, और फिर उसको हमने ग्रहण किया और उसको फिर अप्लाई किया, ठीक है, उसको फिर हमने अप्लाई करके देखा अपनी चीज़ों के ऊपर, उसके बाद में उसको एनालिसिस किया, उसकी एक एक कड़ी को हमने तोड़ के देखा, एक एक पहलू को उसको समझने की कोशिश हमने की जी। उसके बाद है सिंथेसिस के अंदर क्या होता है, जो हमारी कड़ियाँ बिखरी हुई है, ठीक है, जो भी चीज़ें बंटी हुई है, उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके समझने की कोशिश की। एनालिसिस के अंदर तो क्या है, कोई भी एक चीज़ है उसको तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं, उनको पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, पार्ट्स में हम उसको समझते हैं। और सिंथेसिस के अंदर क्या होता है, पार्ट्स में जो चीज़ हमारी डिवाइड है उन सभी को मिला के समझने की कोशिश हम करते हैं जी। इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, हम इवैल्यूएट करते हैं कि हमने इससे कितना सीखा है, क्या नहीं सीखा है, किस तरीके से क्या होता है जी। और जो हमारा नया वर्जन जो था, उसके अंदर क्या था, हमारा इवैल्यूएटिंग था वो नीचे आ गया, और क्रिएटिंग लेवल था वो यहाँ पे आ गया।
सिंथेसिस को यहाँ पे इन्होंने क्रिएटिव लेवल बोल दिया। तो यहाँ से हमारा जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वो मैं बता देता हूँ, जो आपको देखना ज़रूरी है। यहाँ से हमारा एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, इसका हमें लेवल बताना होता है कि कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ क्या है। तो हाईएस्ट लेवल क्या है दोस्तों, इवेल्यूएशन है, और लोअर लेवल क्या है हमारा, नॉलेज है जी। और इनको दूसरा जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर ये आता है, इनको हमें ऑर्डर में लगाना होता है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं और आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जैसे ये है, जैसे ये हमारा क्रिएट, इवेल्युएटिंग, एनालिसिस, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग। तो इनको अगर आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको ऊपर भी बता दी है, और ज़्यादा अगर डिटेल में देखना चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। और आगे दोस्तों हमारा अफेक्टिव डोमेन है। अफेक्टिव डोमेन के अंदर क्या होता है, जैसे करेक्टराइजिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग, फिर वैल्यूइंग और रिस्पॉन्डिंग, रिसीविंग। इसमें से ज़्यादा डिटेल में डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनको सीक्वेंस में हमें लगाना है। तो सीक्वेंस में आप देख सकते हैं करेक्टराइजिंग पहले आएगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग, वैल्यूइंग, रिस्पॉन्डिंग और रिसीविंग जी। अगर वो लोअर टू अपर कहे तो ये आएगा पहले रिसीविंग, फिर रिस्पॉन्डिंग, फिर वैल्यूइंग, ठीक है। तो इस तरह से है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों फिर हमारा साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में से हमारा आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है सॉरी दोस्तों, साइकोमोटर डोमेन से हमारा अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है जी। फिर भी अगर इसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं जी। और ये तीनों जो डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, इनके जो पिरामिड है आप यहाँ पे देख सकते हैं जी। तो अब हम इनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आए उनको हम देखें। चलिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, शिक्षक का अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता का संबंध है। एटीट्यूड ऑफ टीचर दैट अफेक्ट टीचिंग पैरेंटिंग टू। देखिए एटीट्यूड, एटीट्यूड की बात हमने किस में की थी अगर आपको याद हो तो, एटीट्यूड की बात हमने की थी अफेक्टिव डोमेन के अंदर बात की थी। एटीट्यूड से ए से ए बन गया हमारा, है ना। यहाँ से ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन ये था हमारा। और इसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, एटीट्यूड की बात करते हैं कि बच्चे का क्या एटीट्यूड है कोई भी चीज़ सीखने के प्रति। तो इसका जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड आप याद कर सकते हैं दोस्तों, अफेक्टिव का एटीट्यूड आ गया, ए डबल एफ और ए डबल टी, ए डबल एफ और ए डबल टी, यहाँ पे हमारा ए से ए आ गया यहाँ से। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ये कीवर्ड्स हैं हमारे याद रखने के जी। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों शिक्षण की। देखिए अकॉर्डिंग टू द ब्लूम्स ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग क्या है ये हमें बताना है जी। तो अभी हम देखते हैं इसके अंदर, देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये था हमारा कॉग्निटिव डोमेन था ये, है ना। तो इसके अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग क्या है दोस्तों, ये देखिए इवेल्युएशन है ना, सबसे ऊपर क्या है हमारा इवेल्युएशन, और सबसे नीचे क्या है हमारा नॉलेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या गया, इवेल्युएशन होगा। ये देखिए दोस्तों राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन थ्री इसका राइट आंसर है, इवेल्युएशन जी। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन इसको कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये है हमारा वट इज़ द करेक्ट सिक्वेंस फ्रॉम द लोएस्ट लोअर टू हाइएस्ट फॉर इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना किस तरह से एग्जाम में रिपीट होते क्वेश्चन, कि हमें नीचे से ऊपर अफेक्टिव डोमेन के अंदर उनकी सिक्वेंस बतानी है। अब चलिए अफेक्टिव डोमेन का यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये रहा हमारा अफेक्टिव डोमेन का जी। इसने कहा है लोअर टू हाइएस्ट, लोअर में क्या है दोस्तों, नीचे क्या है हमारा रिसीविंग है ना। इसका मैं एक मिनट ये बदल लेता हूँ जी, रेड कलर हम कर लेते हैं। ये देखिए नीचे क्या है हमारा रिसीविंग है, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा रिसीविंग आएगा यानी ए आएगा। उसके बाद में हमारा क्या है रिस्पॉन्डिंग है, रिस्पॉन्डिंग किसके अंदर है सी में है ना, फिर हमारा सी आएगा। और उसके बाद में हमारा क्या है दोस्तों ए सी, ए सी आ गया, ए सी किसके अंदर है ऑप्शन टू में है। और उसके बाद में वैल्यूइंग, वैल्यू किसके अंदर दोस्तों बी के अंदर है ये हमारा, ठीक है ए सी बी, बी ये आ गया हमारा। फिर है डी ऑर्गेनाइजिंग, फिर है ये ऑर्गेनाइजिंग, ये रहा डी। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जी। तो दोस्तों मज़ा आ रहा है आप लोगों को क्लास देख के। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लर्निंग एज ए सिक्स लेवल इन ए कॉग्निटिव डोमेन। सिक्स लेवल किसके अंदर है दोस्तों,
कॉग्निटिव डोमेन के अंदर 6 लेवल बताए गए हैं, वो किसके अंतर्गत आता है वो हमें बताना है जी। वो किसकी टॉक्सन है, टैक्सोनॉमी है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, सोलो टैक्सोनॉमी है, ब्रिग टैक्सोनॉमी है, या फिर गेजन टैक्सोनॉमी है, कौन सी टैक्सोनॉमी है वो हमें बताना है जी। कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन हम किसके अंदर करके आए हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर ही तो करके आए ना। ये देखिए ब्लूम्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इसके अंदर देखिए 6 ही है ना कॉग्निटिव के अंदर। ये देखिए हमारा, एक मिनट थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं ताकि अच्छे से चीजें समझ में आ जाए आपका। ये देखिए ये रहा हमारा, ये क्या है कॉग्निटिव डोमेन है। 1 2 3 4 5 6, 6 चीजें है हमारी, 6 इसके अंदर, और ये किसका है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ये यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको आंसर देना है, और अगर आपको मज़ा आ रहा है ना दोस्तों, तो दोस्तों आप ये 3 घंटे की लाइव मैराथन क्लास ज़रूर ज्वाइन करना। अभी तो आपने केवल टीचिंग एप्टीट्यूड के देखे हैं, और उस क्लास में हम ऑल 10 यूनिट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, और प्लस में कीवर्ड्स भी बताएंगे कि किन कीवर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है जिससे आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ये क्लास हमारी 27 फरवरी को होने वाली है इवनिंग 3 PM, और केवल 99 रुपीज़ में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों इससे रिलेटेड, और चलिए दोस्तों हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा लेवल ऑफ टीचिंग, देखिए एक मिनट रुकिए मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। लेवल ऑफ टीचिंग, इसमें से हमारे काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया भी था 2012 से 2023 तक इसमें रिपीट हुए हैं जी। तो इसमें दोस्तों मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल जी। तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम जानने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद में हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे देखिए। और इसमें 3 स्तर हमने पहले बात करते हैं, हम मेमोरी लेवल की बात करते हैं। देखिए जो भी शब्द है उसको आप शब्दों के जरिए समझने की कोशिश करना, जो भी टर्म्स है। अब देखिए मेमोरी की बात हो रही है, मेमोरी का मतलब होता है किसी चीज़ को याद करना। यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं स्मृति स्तर, यानी कि किसी चीज़ को याद करना, ध्यान में लेके आना, उसको समझना नहीं केवल याद करना, याद करना होता है इसके अंदर। इस स्तर पे ज्ञान को अभ्यास करने और उसको कंठस्थ करने के लिए प्रेरित किया जाता है। सर कहते हैं ना कि ये क्वेश्चन आपको याद करके लेके आना है, नहीं तो कल कुटाई होगी जी। तो इसके अंदर कीवर्ड्स हमारे क्या है दोस्तों, कीवर्ड्स आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, थॉट एंड आइडिया की बात करेंगे इसके अंदर हम, प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, और सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स की हम बात करेंगे जी, ठीक है। और यही कीवर्ड्स आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों नंबर 2 पे, ग्रहण या अवबोधन स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। जैसे नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करके करना, उसको समझना अच्छे से, भाई ये चीज़ क्यों हुई है, कैसे हुई है जी। इस लेवल पर बच्चा प्राप्त ज्ञान को अच्छे से समझने की कोशिश करता है, उसके बारे में पहले मॉरिसन ने बताया था। किसने बताया था, मॉरिसन ने, और यहाँ पे देखिए मेमोरी लेवल के बारे में हर्बर्ट ने बताया था जी। ये भी हमारे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, दिखाऊंगा मैं आपको आगे। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं हमारे दोस्तों वो हम देखते हैं, एक मिनट रुकिए, ये मेरा पेन बंद हो गया शायद, पेन बंद हो गया क्या, काम करना, एक मिनट रुको, हाँ ये आ गया मेरा, एक मिनट रुको भाई, शायद ये पेन इरेजर, ये पेन बंद हो गया शायद, एक मिनट रुको, हाँ अब चलने लग गया जी। इसके अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो हम सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप, देखिए रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं भाई, एक का दूसरे के का साथ क्या संबंध है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। दो चीज़ होती है उनके बीच में, रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करता है बच्चा। पैटर्न अमंग फैक्ट्स, जो भी बात है उनका क्या पैटर्न बन रहा है, कोई भी क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, उनको समझने के लिए हम पैटर्न्स को समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट एंड आइडियाज़ की बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आइडियाज़ और फैक्ट है ना, उनके एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल के जरिए चीज़ों को समझते हैं ना जी। तो इसके अंदर समझने से रिलेटेड जो भी हमारे कीवर्ड्स होंगे वो सारे के सारे कीवर्ड्स इसके अंदर आएंगे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों रिफ्लेक्टिव लेवल है, इसके अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल को इंग्लिश में, हिंदी में विमर्श या चिंतन स्तर भी बोलते हैं। इसको शिक्षण का उच्च स्तर माना जाता है, इसके बारे में सबसे पहले हंट ने बताया था। अरे ये क्या हो गया, ओह चलो टाइपिंग मिस्टेक ही होगी, चलो कोई बात नहीं, हो जाता कई बार जी।
तो इसके बारे में हंटर ने बताया था, और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग माना जाता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर हम विचार विमर्श करते हैं, और इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट वगैरह भी हो सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। क्लियर ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल स्ट्रक्चर कंटेंट इसमें उपयोग होता है। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, देखिए क्रिएटिव रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ का। एक समस्या होती है, समस्या का समाधान करने के लिए हम स्टूडेंट को बोलते हैं जी। और आर्ग्यूमेंट, इसके अंदर जो बच्चे हमसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, हम भी बच्चों से सवाल जवाब करते हैं और उनको उलझाने की कोशिश करते हैं जी। तो ये तीन लेवल है दोस्तों हमारे, और इनसे रिलेटेड अब जो भी हमारे क्वेश्चंस आए उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं, और आपने इनसे रिलेटेड जो कीवर्ड्स है कीवर्ड देख लिए ना। मैं उम्मीद करता हूँ इन कीवर्ड्स को आप ध्यान में रखना, और अब देखना इन कीवर्ड्स को देख के ही हम किस तरह से आंसर देते हैं अपने क्वेश्चंस का। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये आप देख सकते हैं 2015 में आया हुआ है। इसके अंदर क्या पूछा हुआ है इन्होंने, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। चलो ये तो हमारा पहला उसी का था जो हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किया था ना, उसका क्वेश्चन है ये। तो इवेल्युएटिंग आएगा इसका राइट आंसर, ये तो हमने कर लिया था। ये देखिए अब ये है हमारा दोस्तों, ये हमें मैच द कॉलम करना है हमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मेमोरी लेवल के अंदर, बात करते हैं मेमोरी लेवल के अंदर हमने क्या बात की थी। रिकॉल करना, याद करना है ना, रिकॉलिंग एंड रिकॉग्नाइज फैक्ट। रिकॉग्नाइज का मतलब है, रिकॉलिंग का मतलब होता है दोहराना, और रिकॉग्नाइज का मतलब होता है उसे याद करना। रिकॉलिंग एंड रिकॉग्नाइज फैक्ट, तो ये इसका हो जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। और ये देखिए रिकॉलिंग का नहीं है क्या, ये देखिए फैक्ट्स हो गया हमारा, सिक्वेंसिंग फैक्ट ये हो गया, आइडिया है हमारा ठीक है जी। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या होता है, एक मिनट ये थोड़ा सा सही से हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे समझ में आ जाएगा। देखिए मेमोरी लेवल के अंदर रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज हो गया, अंडरस्टैंडिंग के अंदर होता है हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जी। ये देखिए इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या होता है, रिलेशनशिप एंड मीनिंग। ये देखिए रिलेशनशिप और मीनिंग को समझने की हम कोशिश करते हैं, उसका मीनिंग क्या है। फिर है हमारा दोस्तों रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव के अंदर क्या होता है हमारा, क्रिटिकल थिंकिंग होता है। ये देखिए ये रहा हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल का, ये होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, राइट आंसर इन्होंने दिया है ए आंसर दिया, ए का थ्री, ए का हमारा थ्री हो गया, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। बी का फोर, बी का हमारा फोर हो गया, और ए का हमारा वन हो गया जी। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं जी। और आगे मैं दिखाता हूँ आगे किस तरीके से आपको देना है इसका आंसर। ये देखिए ये हमारा 2019 में आया है ये क्वेश्चन, और इसके अंदर भी क्या है दोस्तों, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, क्रिएटिव लेवल। अब देखिए मेमोरी लेवल के अंदर चीज़ों को हम याद रखने की कोशिश करते हैं। याद कैसे रखा जाता है, रिकॉल इन्फॉर्मेशन, उसको दोहराना जी। तो रिकॉल ये आ गया ना हमारा राइट आंसर जी। फिर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या होता है, हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, और कैसे समझते हैं, हम एग्जाम्पल्स के जरिए हम समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर क्या आएगा हमारा, एग्जाम्पल ऑफ ए गिवन कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाइंग एग्जाम्पल्स जी। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर क्या हो जाएगा अपना, वन हो जाएगा। और फिर है हमारा जैसे क्रिएटिव लेवल, इसको हम रिफ्लेक्टिव लेवल भी बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल भी इसको हम बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर क्या होता है दोस्तों, हम नए विचारों को उत्पन्न करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। तो डी का आंसर क्या होगा हमारा, जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ है ना जी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए का हमारा थ्री है, ए का हमारा ये देखिए ये रहा थ्री, और फिर बी का हमारा है, बी का कहाँ गया यार, बी का अंडरस्टैंडिंग ये रहा बी का वन, बी का हमारा वन हो गया ये, और फिर हमारा सी का डी का, हम डी का देखते हैं, डी का हमारा टू है। ये देखिए ये हमारा राइट आंसर हो गया ना, ऑप्शन फोर जी। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं जी। तो कैसी लग रही है दोस्तों क्लास आपको, अगर मज़ा आ रहा है तो दोस्तों इस क्लास को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना जी। आगे भी आप देख सकते हैं दोस्तों, हर बार एक ही चीज़ हमारी रिपीट हो रही है। देखिए रिकॉल फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे रिकॉल आएगा वहाँ पे क्या आएगा हमारा, मेमोरी लेवल आएगा है ना, रिकॉल। और ये देखिए सिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट एंड देयर एग्जाम्पल, जहाँ पे एग्जाम्पल की बात आए
जहाँ पे एग्जाम्पल की बात आए वहाँ पे क्या आएगा, हमारा अंडरस्टैंडिंग आएगा, ठीक है। और जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा वहाँ पे क्या आएगा, हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल आएगा। देखो दोस्तों बिल्कुल आसानी से विद इन 10 सेकेंड के अंदर आप आंसर कर रहे हैं, है ना जी। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से आंसर कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए और उसमें जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए ना, उन कीवर्ड्स को आप ध्यान में रखना है जी। एक मिनट, ये क्या हो गया, इसको मैं मिटाता हूँ जी। इसके अंदर क्या है दोस्तों, ये देखिए इसके अंदर ये क्वेश्चन कह रहा है हमें बताना है कि इसमें कौन सा लेवल यूज हुआ है, विच लेवल ऑफ टीचिंग विल बी रिलेटेड टू दिस। अब देखिए, ए टीचर गिव ए लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल देता, आगे आप इसको पढ़ो ही मत, ठीक है, इतना ही पढ़ो। पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल देता है, किसकी बात हो रही है, एग्जाम्पल देंगे तो क्या है, स्टूडेंट उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे ना, है ना, एग्जाम्पल के जरिए। तो देखो जहाँ पे एग्जाम्पल आ गया हमारा, वहाँ पे क्या आएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल आएगा। यस वाओ, क्या बात है। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं जी। अब देखिए इसके अंदर हम और चीज़ें देखते हैं, मैं आपको कीवर्ड्स बताता हूँ। अब देखिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन, आगे आ गया, देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल इसमें पूछ रहा है। अंडरस्टैंडिंग के अंदर मैंने आपको बार बार चीज़ें बताई, अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, और समझते हम किससे हैं इसके अंदर देखो आप। ये देखिए रिलेशनशिप एंड पैटर्न अमंग फैक्ट्स, पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं ना, क्या पैटर्न है उन दोनों के बीच में। अगर हमें पैटर्न समझ में आ गया तो हम चीज़ों को समझ जाएंगे जी। ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ चीज़ें, ताकि आप भूले नहीं। अब देखिए ये रहा हमारा अंडरस्टैंडिंग, ये था ना अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसके अंदर क्या, ये देखो सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप एंड पैटर्न अमंग फैक्ट्स, ये देखो ये चीज़ रही हमारी, है ना जी। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं दोस्तों, और चीज़ें आपको मेरे को पता है समझ में आ रही है। और शायद आप आपको ये लग रहा है कि हम ये चीज़ें भूल जाएंगे, अगर आप आपको लग रहा है कि भूल जाएंगे आप, तो दोबारा से हमारी क्लास होगी दोस्तों 27 फेब को 3 PM पे, उस क्लास को आप ज़रूर ज्वाइन करना, उसमें आपका सब कुछ रिमाइंड हो जाएगा। अभी तो आप केवल टीचिंग एप्टीट्यूड देख रहे हैं, उसमें हम टीचिंग रिसर्च ICT लॉजिकल रीजनिंग DI मैथ भी करने वाले हैं, उसके अंदर हम ऑल 10 यूनिट हम करेंगे, तो उसके अंदर सारी रिमाइंड हो जाएगी आपकी सारी चीज़ें। तो उस क्लास को आप ज़रूर ज्वाइन करना, 99 रुपीज़ में वो क्लास है, लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं देखिए, ये जैसे बड़े क्वेश्चन आ गए, अब बड़े क्वेश्चन को देख के स्टूडेंट क्या है, घबरा जाते हैं, सोचते हाय पता नहीं क्या आ गई, क्या बला आ गई है ना। तो ये बला नहीं है दोस्तों, आपको समझने की कोशिश करनी है। देखिए ये क्या कह रहा है, मेमोरी लेवल की बात कर रहा है, ठीक है। मेमोरी लेवल के अंदर क्या है, चीज़ों को हम याद करने की कोशिश करते हैं। पहले जो भी क्वेश्चन है उसको, क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, वो कहना क्या चाह रहा है, क्या पूछ रहा है। देखिए मेमोरी लेवल के अंदर हम चीज़ों को याद रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए मेमोरी लेवल के अंदर ये मेरे को एक चीज़ दिख गई, यहाँ पे ऑप्शन डी दिख गया, क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये बताइए क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल होती है क्या, क्रिटिकल थिंकिंग किस में इस्तेमाल होती है, कौन से लेवल में होती है, रिफ्लेक्टिव है। यस 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 बिल्कुल सही, रिफ्लेक्टिव लेवल में होती है। तो ये जो ऑप्शन है ये तो हमारा गलत हो जाएगा, है ना, यहाँ से गलत हो जाएगा। हमें पता चल गया कि जो डी ऑप्शन है वो तो किसी भी हालात में मेमोरी लेवल में नहीं होगा, तो डी किस किस में है, ये देखिए डी इसमें है, ये ऑप्शन कट हो गया, और ये जो ऑप्शन है ये भी हमारा कट हो गया। अब देखिए हमारा ये देखिए ए और सी जो है इसमें भी है, और ए और सी इसमें भी है। अब हमें पता करना है बी और ई में कौन सा हमें लेना है, बी लेना है या फिर ई लेना है, ये हम देखते हैं। बी का क्या है, सिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट। अब देखिए रिलेशनशिप अमंग फैक्ट हम देखते हैं, क्या रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप किस में हम देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग में, है ना, अंडरस्टैंडिंग में है जी। अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर हम रिलेशनशिप देखते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ये किस में होगा, हमारा अंडरस्टैंडिंग में होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल में होगा। और फिर हम बात करते हैं ई की बात करते हैं, ये देखिए करेक्ट सिक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स। अब देखिए सिक्वेंसिंग ऑफ, मास्टरी ऑफ सिक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट, हाँ ये हम बात करते हैं जी, बिल्कुल सही है। मेमोरी लेवल के अंदर हम सिक्वेंसिंग की बात करते हैं, ये चीज़ तो हमने की थी भाई। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आप भूल रहे हैं, बट मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, मैं आपको
चुन चुन के, चुन चुन के याद करवाऊंगा चीजें, चुन चुन के कीवर्ड से याद करवाऊंगा। ये देखिए, सिक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स, ये रहा हमारा, ये रहा है ना, सिक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स किसमें, मेमोरी लेवल के अंदर है जी, है ना। जी तो दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूँ कीवर्ड्स को याद करना हमारे लिए काफी जरूरी है। आप एक छोटे से छोटे शब्द को देख के आप आंसर दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये राइट आंसर होगा। ये हमारा किसके अंदर होता है, ये हमारा मेमोरी लेवल के अंदर होता है, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर होता है, और ये हमारा क्रिटिक रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, ए, इसका राइट आंसर होगा ए सी ई, इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। अब देखिए, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन भी हमारा इसमें ही है ना, मेमोरी लेवल के अंदर, मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं, देखिए प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन, आइडिया और इन्फॉर्मेशन को किस में प्रेजेंट करते हैं हम, मेमोरी लेवल के अंदर करते हैं, है ना जी। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ, ये देखिए हमने लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें ऐड किया है, 20 नवंबर 2021 के क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए हैं। तो आप कई दोस्त ऐसे बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन अब तो रिपीट नहीं होते, अब तो नहीं आते, आप तो ऐसे बता रहे हो। आप लाइव देख सकते हैं दोस्तों, आप मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, 2012 से लेके और 22 तक यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जी। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा ये देखिए, ये क्वेश्चन भी हमारा 2021 का है, शिफ्ट सेकंड के अंदर आया हुआ है। देखिए, और क्रिटिकल थिंकिंग इज हॉलमार्क, क्रिटिकल थिंकिंग किसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जी। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये 24 नवंबर 2021 को आया हुआ ये क्वेश्चन, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल। स्टार्टिंग में ही हमने इसकी बात की थी, अगर आपको याद हो तो, रिफ्लेक्टिव लेवल की हमने बात की थी। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं, हमने आज आपको काफ़ी क्वेश्चन करवाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, एक नए वे में आपको चीज़ें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करवाने की कोशिश की है। दोस्तों आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी, और अगली क्लास कौन से टॉपिक पे लेनी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना, ज़रूर बताना कौन सा टॉपिक आपके लिए लेके आना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन और कीवर्ड्स की कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है वो आप हमें बताना भाई, ठीक है। और दोस्तों अभी मैं एक चीज़ लास्ट में जाते जाते आपको बता देता हूँ, अभी हमारी 2012 से लेके 2023 तक हर बार आने वाले 125 क्वेश्चन की लाइव मैराथन क्लास होने वाली है। 3 घंटे की ये लाइव क्लास होगी, और ये 99 रुपीज़ में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 5 बोनस दिए जाएंगे, ऑल यूनिट रिपीटेड क्वेश्चन पीडीएफ आपको दी जाएंगी, ऑल यूनिट कीवर्ड्स की पीडीएफ दी जाएगी, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा आपको, प्लस में आपका करंट अफेयर पीडीएफ दी जाएगी आपको, और 10 लाइव मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे फ्री में इसके अंदर जी। तो आप इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करना, लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 27 फरवरी इवनिंग 3 PM ये क्लास होने वाली है जी। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय।